रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कुल 7 कांड लिखे गए हैं। इन 7 कांडों में 500 उपखंड तथा कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में भगवान श्री हरि विष्णु के रामावतार के जन्म से लेकर उनके वापस नारायण रूप में लौटने तक की कहानी लिखी गई है। रामायण के सभी पात्रों से अलग एक ऐसा पात्र भी था जिसका जिक्र किसी ने शायद ही किया हो, और यह पात्र था राजा दशरथ की एक पुत्री जो कि भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। उनका नाम सांता था और उनको श्री राम की माता कौशल्या ने ही जन्म दिया था। सांता अपने चारों भाइयों से उम्र में काफी बड़ी थी। रामायण ग्रंथ में लिखे गए 24,000 श्लोक में हर 1,000 श्लोक का पहला अक्षर को लिखा जाए तो यह गायत्री मंत्र बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से भगवान श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। इससे प्रभावित होकर राजा जनक ने देवी सीता का विवाह श्री राम से करने का निर्णय लिया। रामायण में माता सीता स्वयंवर में जिस धनुष को उठाने की शर्त रखी गई थी वह महादेव द्वारा निर्मित पिनाक धनुष था। पिनाक धनुष का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से ताड़कासुर नामक असुर के तीनों पुत्रों को उनके पूरों सहित एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। भगवान शिव ने इस धनुष को देवताओं का काल समाप्त होने पर देवरात को सौंप दिया था। देवराज राजा जनक के पूर्वज थे। सबरी जिसने श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे उनके गुरु मतंग मुनि जी हनुमान जी के भी गुरु थे। ऋषि मतंग जी ने सबरी को पहले ही बता दिया था एक दिन श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उनके आश्रम में आएंगे और आगे क्या होगा यह भी उन्होंने सबरी को पहले ही बता दिया था। रामायण में भगवान श्री विष्णु श्री राम का अवतार लेकर आए थे तथा देवी लक्ष्मी सीता बनकर आई थी। वही उनके इस अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण जी का अवतार लेकर आए थे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भरत का अवतार लेकर आया था तथा शंख शैल शत्रुघ्न अवतार में आए थे। श्री राम लक्ष्मण और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास का अधिकतर समय जिस स्थान पर बिताया था वह वन दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। यह वन बहुत बड़ा है जो कि 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। जब श्री राम सुग्रीव की सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे तो अथाह समुद्र उनके सामने था। प्रश्न यह था कि उसे पार करके लंका तक इतनी बड़ी सेना कैसे लेकर पहुंचा जाए। इसके लिए श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए समुद्र की आराधना की और एकादशी का व्रत भी किया था। विवाह के समय भगवान श्री राम की आयु 16 वर्ष की थी और भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर 11,100 वर्ष तक रहे थे।